गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने पिछली दो क्लासेस में भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय पुनर्जागरण के महत्व और सीमाओं को देखा। आज की क्लास में हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज एवं राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। हम देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का अर्थ क्या है। पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा में रिनेसा कहा गया है, या यूं कहें कि अंग्रेजी भाषा में रिनेसा शब्द का पुनर्जागरण हिंदी रूपांतर है। यह मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागना। आधुनिक युग का प्रारंभ पुनर्जागरण से होता है, किंतु हम यहाँ पुनर्जागृत भारत की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया था, वही हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो हम देखते हैं। ब्रह्म समाज में जाति, धर्म, वर्ण, प्रजाति आदि के भेद के बिना सभी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। शुद्ध मन से ईश्वर की उपासना करने से मनुष्य अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है तथा तृष्णा त्याग से मोक्ष प्राप्त होता है। ईश्वर के संबंध में मान्यता है कि ईश्वर निर्गुण, निराकार व निर्विकारी है। यह देह धारण नहीं करता। मानव अपने अच्छे एवं बुरे कर्मों के अनुसार अच्छे व बुरे फल प्राप्त करता है। ब्रह्म समाज सभी धर्मों पर आस्था रखता है। उसकी मान्यता है कि सभी धर्म सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं। राजा राम मोहन राय ने सर्वप्रथम भारत में धर्म सुधार एवं समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। वे एक दूरदर्शी एवं महान चिंतक भी थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर प्रबल समर्थन किया। पाश्चात्य शिक्षा से प्रगतिशील विचारों की जानकारी हो सके, इसीलिए उसका समर्थन किया। वे पत्रकारिता के अग्रदूत, विश्व राजनीति के ज्ञाता और राष्ट्रवाद के जनक थे। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध कर नारी की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की वकालत की। अब हम देखते हैं आर्य समाज एवं दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी सरस्वती हैं। सन 1824 में गुजरात के बंकारा परगने के जीवलपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। जब ये 21 वर्ष के हुए तो इन्होंने गृह त्याग दिया और 15 वर्षों तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। 1860 ईस्वी में उन्होंने मथुरा पहुँचकर स्वामी ब्रजानंद से दीक्षा ली। वही संस्कृत का अध्ययन किया तथा वेदों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने वेदों की ओर लोटो का नारा बुलंद किया। कहा जाता है कि बचपन में एक बार शिवरात्रि के पर्व पर एक मंदिर में शिवलिंग पर एक चूहे को प्रसाद खाते देखकर उनका विश्वास मूर्ति पूजा से हट गया। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1857 में मुंबई में की। आगे चलकर 1877 में लाहौर, 1878 में दिल्ली में भी आर्य समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई। 30 अक्टूबर 1883 को इनका देहावसान हो गया। आर्य समाज के सिद्धांत। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर आर्य समाज के कई सिद्धांत बताए, जैसे वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत है, इसलिए इनका अध्ययन सभी को करना चाहिए। ईश्वर निराकार, दयालु, अजर, अमर, सृष्टिकर्ता, न्यायकारी एवं सर्वशक्तिमान है। किसी भी कार्य को सत्य एवं असत्य का विचार करके ही करना चाहिए। सभी को असत्य का त्याग एवं सत्य को ग्रहण करना चाहिए। मानव को केवल अपनी उन्नति से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी की उन्नति से संतुष्ट होना चाहिए एवं सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। समस्त मानव समुदाय को शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धर्मानुकूल आचरण करना मानव का प्रमुख कर्तव्य है, इसे भूलना नहीं चाहिए। अविद्या को समाप्त कर विद्या का प्रचार प्रसार करना चाहिए। स्वयं के हित से संबंधित कार्य में आचरण की स्वतंत्रता रखनी चाहिए, परंतु सामाजिक कार्यों में आपसी मतभेदों को भुला देना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति से ईश्वर का बोध होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से समाज को पुनर्जागृत किया
तत्कालीन भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुधार आदि के कार्य से महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे सती प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया, बाल विवाह को सामाजिक बुराई माना, विधवा विवाह का समर्थन किया, जाति पाति एवं छुआछूत का अत्यधिक विरोध किया, स्त्रियों को समाज में आदर मिले इसके लिए शिक्षा पर जोर दिया, वैदिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुल स्थापित करवाए, इसमें हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी अत्यधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र है, आर्य समाज ने वेदों की ओर लोटों का नारा दिया तथा बहुदेववाद व अवतारवाद का खंडन किया, अंधविश्वास तथा मूर्ति पूजा का विरोध कर एक ईश्वर की आराधना करने का संदेश दिया, प्राचीन आर्य संस्कृति और सभ्यता में रहकर भारतीयों में आत्मसम्मान व गौरव पैदा करने का काम किया। स्वामी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। उन्होंने भारतीयों को पुनर्जागृत करने का कार्य किया। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन स्वदेशी शासन की तुलना नहीं कर सकता। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। पूर्व में उनकी आस्था ईश्वर में नहीं थी, परंतु ब्रह्म समाज की शिक्षाओं से प्रभावित हो ईश्वर में विश्वास करने लगे। उनका साक्षात्कार 25 वर्ष की आयु में स्वामी रामकृष्ण जी से हुआ और वे उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए। वे रामकृष्ण जी के पक्के परम प्रिय शिष्य बन गए तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 31 मई 1893 को सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए। वहां उनके भाषण का अमेरिका की जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक समाचार पत्र द न्यू हेराल्ड ने लिखा था कि ऐसे विद्वान के देश में ईसाई पादरी भेजना कितनी मूर्खता है। फरवरी 1896 में स्वामी जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में वेदांत समाज की स्थापना की तथा उसी वर्ष भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने विभिन्न मत व संप्रदाय के मानवों को एक स्थान में ले जाते हैं और विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियां अपने आप को समुद्र में आत्मसात कर लेती है ऐसा बताया। हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन है, यह आध्यात्मिकता पर बल देता है तथा इसमें सभी धर्मावलंबियों को समन्वित करने की शक्ति है। यह उदार है, सभी को आश्रय देता है, अतः उपासना एवं संन्यास व समाधियों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। रामकृष्ण मिशन मानता है कि मूर्ति पूजा से मानव मन एकाग्र होता है और सरलता से आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सकता है, इसलिए मूर्ति पूजा की जानी चाहिए। ईश्वर एक है, वह निराकार सृष्टिकर्ता सर्वव्यापी एवं अंतर्यामी है। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। उनका कथन था कि संसार की जातियां नारियों को समुचित सम्मान देकर ही महान हुई है। दरिद्रों की सेवा को उन्होंने ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण भारतीयों में नवीन चेतना व उत्साह का संचार करके राष्ट्रीय जागरण में विशेष योगदान दिया। पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता से सावधान किया। वे शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र की स्थापना चाहते थे। उनका विचार था कि भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि निर्भीक बातों साहस धारण करो, गर्व के साथ कहो कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। इस प्रकार विवेकानंद ने अल्पकाल में ही अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य